हेलो फ्रेंड्स, कमर किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं आलू और साबूदाने का टेस्टी क्रिस्पी पापड़। तो दो आलू हमने लिया है, उसे छील करके साफ से धो करके कद्दूकस कर लिया है, और एक कप साबूदाना लिया, उसे भी हमने धो करके भिगो दिया था 2 घंटे पहले। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 3 से 4 कप पानी डालेंगे, और पानी हमारा अच्छा से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम भीगा हुआ साबूदाना डाल देंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे। और बहुत ही आसान तरीका है ये, और बहुत ही मज़े का हमारा पापड़ बन के रेडी होता है। तो इसको हम लगातार मीडियम आंच पर चलाते रहेंगे। और 10 से 15 मिनट तक हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, साबूदाना हमारा थोड़ी देर में ही ट्रांसपेरेंट होके ऊपर तैरने लगेगा। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो तली में चिपकने लगेगा साबूदाना। तो ये देखिए, ट्रांसपेरेंट होके अच्छे से ये देखिए तैरने लगा है हमारा साबूदाना, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और ये अब थोड़ा थोड़ा सा हमारा गाढ़ा होने लगा है साबूदाना। कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें इसी तरह से लगातार चलाते रहना है मीडियम आंच पे। आंच तेज नहीं करेंगे हम, मीडियम आंच पे रहेगा। और ताकि साबूदाना हमारा एकदम अच्छे से गल जाए। और ये देखिए, गाढ़ा हो रहा है हमारा साबूदाना। अब इसमें हमने एक सीक्रेट मसाला डाला है, इसमें हमने 3 से 4 हरी मिर्च और 2-3 जवा लहसुन है और थोड़ा सा धनिया है, 4-5 पेड़, इसको हमने पीस लिया था। और हमने लिया है कुटी लाल मिर्च और नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो पापड़ खा रहा होता है ना उसको हमने 1 चम्मच इसमें डाला है। तो सारे हम एक ही प्लेट में रखे हुए थे, इसको हमने डाल दिया इसमें और लगातार चलाते रहेंगे। और ये जो हरी धनिया और लहसुन मिर्च का पेस्ट हमने रेडी किया था, उससे बहुत ही मज़े का हमारा पापड़ का टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए, हरा कलर एकदम आ गया है, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। और अब इसको हम एकदम स्लो आँच कर देंगे, और ये देखिए इस तरह से हम इसको देखेंगे, टेस्ट करेंगे इस तरह से हाथ से, हम इस पर पूरा कोट हमारा चम्मच पे पूरा बना रहे इस तरह, तो पता चल जाएगा कि हाँ हमारा पापड़ का ये जो पेस्ट है एकदम अच्छे से परफेक्ट रेडी हुआ है। और ये देखिए, इसका हाथ से हमने किया तो एकदम अच्छे से पता चल रहा है। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट तक, और फिर इसको हम ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाएगा, हल्का सा ये गुनगुना रहेगा। तभी हम इस तरह से प्लास्टिक लेंगे बड़ी सी, और इस पे पेपर शीट, और इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पूरे मैट को, और फिर इस तरह से स्टैंड लेंगे, या आप चूड़ी ले सकते हैं उससे इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डाल डाल कर गोल शेप दे देंगे, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, हल्का सा पतला ही रहेगा। और सारे पापड़ हम इसी तरह से बना लेंगे। और फ्रेंड्स, ये पंखे के छांव में ही ये सूख जाएगा, 2 दिन में एकदम खड़खड़ा के सूख जाएगा ये पापड़। अगर गर्मी का दिन है तो 2 दिन में एकदम पंखे के नीचे सूख जाएगा आपका पापड़। आप चाहें तो इसे धूप में भी बना सकते हैं, इस तरह से धूप में भी आप बना सकते हैं, या छांव में रखना चाहें तो पंखे के नीचे छांव में भी रख सकते हैं।
तो सारे पापड़ हम इसी तरह से बना लेंगे। और ये सूख जाएगा तो इसे हम आपको तल कर भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 2 से 3 दिन हो गया है और हमारा पापड़ भी सूख गया है। तो चलिए फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो हमने पैन में तेल डाला है और कुकिंग तेल हम डालेंगे और इसमें ये देखिए हम कई तरह का पापड़ इसमें बना कर रखे हैं और ये हरा वाला हमने बनाया है। तो इसको हम आपको फ्राई करके भी दिखा रहे हैं। ये देखिए कई तरह के हमने पापड़ बना के रखे हैं कलर में। तेल हमारा गरम हो गया है, इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है हमारा पापड़। और सूखने के बाद कुछ पापड़ फट ही जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ फ्राई कर लेंगे। और जो नमक मिर्च और लहसुन का पेस्ट है बहुत ही मज़े का लगता है, इससे टेस्टी एकदम चटपटा पापड़। आप इसे होली में बनाएं या रमज़ान में बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। हम पानी में भिगो दिया है ना, उसी में बनाएंगे। वो उधर भिगो भिगो रखा है, भगोरा रख दो। चीनी को कौन भिगोता है? हाँ चीनी भिगोया जाता है। देखिए हमने सारे पापड़ फ्राई कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे पापड़ पक गए हैं और हमने फ्राई कर लिया है। और अब इसे हम आपको तोड़ कर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रंची और खाने में बहुत ही मज़े का लगता है एकदम। ये देखिए क्रश करके हम तोड़ कर दिखा रहे हैं, एकदम महीन हो जा रहा है हमारा पापड़। तो हमारा पापड़ बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा। और सारे पापड़ हमारे क्रिस्पी हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, पापड़ आज का बनाया हुआ अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पहुँच सकें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।